नमस्कार बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हुई चांदनी रात यह कविता देखेंगे। उसके पहले कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियाँ साकेत नाम का महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक उनके प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत काव्य की जो विधा है वह है खंड काव्य। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है और उसमें प्रासंगिक कथाओं को बिल्कुल भी स्थान नहीं होता। प्रस्तुत चांदनी रात यह कविता पंचवटी इस खंड काव्य का एक छोटा सा अंश या प्रसंग है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। इस कविता में चांदनी रात का मनोहारी सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही इस कविता का जो प्रसंग है वह पंचवटी जो कि नासिक का एक स्थान है, वहाँ पर जब रामायण की कथा, राम और सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए निकले थे और कुछ दिनों तक यहाँ पर पंचवटी में रुके थे और उसी स्थान के संबंध में लक्ष्मण को देखकर यह कविता मैथिली शरण जी ने कल्पना करके लिखी है। वे पहले परिच्छेद में कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों यानी कि सुंदर थल भूमि, अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश। तो सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही है और सभी ओर पृथ्वी और आकाश तल में स्वच्छ चांदनी रोशनी बिछी हुई है। दूसरा परिचय, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक आनंद प्रकट यानी कि व्यक्त करना। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरुणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तृण यानी कि घास, तरु पेड़ मंद धीमा। तो यहाँ पर प्रकृति अपना आनंद खुशी प्रकट करती है तो हरित तृणों की नोकों से, जैसे कि वह हरित तृण या घास यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं और पेड़ तरु यानी कि पेड़ भी मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो हरित तृणों की नोकों से और पेड़ भी झूमकर अपना आनंद खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो ऐसे समय में, चांदनी रात के समय में, सभी ओर स्वच्छ चांदनी उजाला फैला हुआ है। क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध यानी कि शांत निशा रात, और सभी रात का वातावरण सभी ओर शांत लग रहा है और स्वच्छंद सुमंद गंध, तो सभी ओर धीमी सुगंध फैली हुई है और चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई है। कोई भी दिशा निरानंद यानी कि उदास दिखाई नहीं देती। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी ओर कार्यकलाप क्रिया कार्य का विवरण या गतिविधियाँ और भाग्य नियति यानी कि भाग्य, नटी यानी कि सजी हुई या कोई स्त्री, सजी हुई स्त्री, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो रात के समय सभी जो गतिविधियाँ है वह शांत रूप से, एकांत भाव से चुपचाप चल रही है। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर,
रवि बटोर लेता है उनको, सदा सबेरा होने पर वसुंधरा धरती मोती। तो यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं कि जो धरती है वह सभी और मोती यानी कि जो सितारे है वह बिखेर देती है। जब सभी लोग सो जाते हैं तो धरती आकाश में मोती सितारे बिखेर देती है, और सुबह होने पर रवि यानी कि सूरज उन्हें बटोर लेता है। हमेशा सदा सबेरा होने पर हर सबेरा होने पर रवि उन सितारों को मोतियों को बटोर लेता है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और वह रवि इन बटोरे हुए सितारों को विराम दायिनी यानी कि आराम पहुंचाने वाली संध्या या शाम को दे देता है, जिसके कारण शून्य श्याम तनु, तनु यानी कि शरीर, श्याम यानी कि काला, बिल्कुल काला, जिसका रात का जो अंधकार है वह इन सितारों से नए रूप में छलकने लगता है, सुंदर दिखाई देता है, चमकने लगता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो यहाँ पर पंचवटी की छाया में, पंचवटी पांच ओटों का समूह, तो उसकी छाया में एक सुंदर पर्ण यानी कि पत्तों से बनी हुई कुटिया या झोपड़ी बनी हुई है, और बिल्कुल उसके सम्मुख सामने एक स्वच्छ शिला, एक बड़ी सी चट्टान या पत्थर है, और उस पत्थर पर एक धीर वीर, धैर्य और वीर ऐसा निर्भीक निडर व्यक्ति, मन वाला व्यक्ति वहाँ पर बैठा है और जाग रहा है। जाग रहा यह कौन धरुणोर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धरुणोर तीरंदाज भुवन संसार, भोगी यहाँ पर गृहस्थ व्यक्ति के लिए कहा है, योगी यानी कि सन्यासी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन इस चट्टान पर यह कौन व्यक्ति है, कौन तीरंदाज है जो बैठा हुआ है, और बिल्कुल वह कुसुमायुध, भोगी कुसुमायुध यानी कि कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है, लेकिन योगी सा सन्यासी के समान वह बैठा दृष्टिगत या दिखाई देता है। यहाँ पर कुसुमायुध, कुसुम का अर्थ होता है फूल, और आयुध यानी कि अस्त्र, फूल ही जिसके अस्त्र है ऐसा कामदेव, तो उसके लक्ष्मण जी की कल्पना या तुलना इससे की है, और वह योगी या सन्यासी के समान वहाँ पर उस शिला पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार इस कविता में मिथिलेश शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।